हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडेज टॉपिक इज फ्लो चार्ट। तो आज हम फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो गाइस ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्लो चार्ट होता क्या है। बेसिकली फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यानी कि अगर आपको एल्गोरिथम को पिक्चर के फॉर्मेट में आपको दिखाना है, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है, तो आप जो एक डिजाइन क्रिएट करते हो उस डिजाइन को हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस टू डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ सिंबल्स, कुछ बॉक्सेस, कुछ यूज करते हैं जिनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होती है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। दीज बॉक्सेस आर कनेक्टेड बाय सॉलिड लाइन हैविंग एरोस ऑफ इंडिकेट द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारे बॉक्सेस कनेक्टेड होते हैं एक एरो लाइन से, जो कि फ्लो इंस्ट्रक्शन के फ्लो को आप यहाँ पे आपको बताते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या है वो यहाँ पे सिंबल्स। तो यहां पर एक आपको इस तरह का सिंबल्स मिलेगा, ये हम यूज करते हैं जब हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है या टर्मिनेट होता है। सो ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स यूज होता है जब भी हमें इनपुट लेना होता है या जब भी हमें आउटपुट देना होता है। और ये हम बॉक्स यूज करेंगे जब हमें प्रोसेसिंग करना होता है। और ये जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स यूज होता है जब हमारा कोई कंडीशन, जैसे कुछ कंडीशनल चीज आ जाती है तो वहां पे कंडीशन के लिए यूज होता है। और ये हमारे कुछ फ्लो लाइन्स हैं, कनेक्टर्स हैं, एरोस हैं, और ये आपके कनेक्टर्स हैं जिनसे हम एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से ऐड करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखिए एक एग्जांपल है, कह रहा है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है और उसके लिए अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको पहले बनाना होगा एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाओ। तो सबसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको बनाना है दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम। तो जब आप एल्गोरिथम बना लोगे तो फ्लो चार्ट तो बन ही जाता है इजीली। अब देखो जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टार्ट का। तो मैंने बताया है ऊपर, जो सिंबल मैंने ऊपर आपको दिखाया है यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल होता है वो स्टार्ट के लिए। तो सबसे पहले आप लगाएंगे ये सिंबल। तो यहां पर आपने क्या लिखा, स्टार्ट, और ये एरो कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप यहां पे यूज करेंगे ये जो प्रोसेस के लिए। तो यहां पे क्या करें, आपने क्रिएट कर रहे हैं तीन वेरिएबल, दो इनपुट वेरिएबल और एक आउटपुट वेरिएबल सी, ठीक है। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट वेरिएबल ए और बी है उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनपुट लेने के लिए, तो हम ये बॉक्स यूज करेंगे। और ये जो बॉक्स है ये प्रोसेसिंग के लिए। तो क्या प्रोसेस हो रहा है यहां पे, ए और बी को ऐड करके हम सी में स्टोर कर रहे हैं, इट इज अ प्रोसेसिंग। और ऐड करने के बाद हम यहां पे फिर से ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये इनपुट के लिए और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है ये सेम बॉक्स। तो यहां पर हम आउटपुट करेंगे, तो क्या लेंगे, आउटपुट ऑफ सी। तो सी का जो भी आउटपुट होगा हम यहां पे ले लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, अपना जो फ्लो चार्ट है उसे यहां पे स्टॉप कर देंगे। तो ये आपको एक इस तरह से फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एक ग्राफिक्स के फोटो के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा सारे के सारे जो टास्क कैसे हो रहे हैं, इस तरह से आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था फ्लो चार्ट, आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको उसे क्रिएट करना है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।